नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं सोगा टाइम्स। हम खड़े हैं बीके अस्पताल की मोर्चरी के पास। यहां पर अभी हाल ही में एक शव आया है। शव को लेकर जानकारी ये है कि ये शव जो है वो घर में डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि इसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस जो है वो ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही ये निर्धारित किया जाएगा कि हत्या की गई है या फिर ये खुद सुसाइड करके या कोई भी मामला किसी भी कारणवश इसकी मृत्यु हुई है। मेरा नाम है राम सकल यादव। कहाँ रहते हैं आप? बिहार, दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार। आपके कौन लगते हैं, क्या नाम है जो जिनकी डेथ हुई है? ये पानालाल यादव। क्या हुआ इनको? इसको मार के रूम में रख दिया गया। पूरा मुंह से खून, पूरा मुंह से ब्लड निकला हुआ है। पूरा दारू के बोतल सब फोड़ के रूम में रख दिया, ताला मार दिया बाहर से मार के। किसने मार दिया? ये मेरा भाई था, बड़ा भाई था, पानालाल यादव। ये दारू की बोतल किसने रख दिया सब? ये आप कौन रखा सो ये तो मालूम नहीं है मेरा। आपको कब पता चला? जी पता, ये पता चला, ये थाना वाला फ़ोन किया, ये तब पता चला कि ये आपको भाई मर गया है, तब आया है। ये यहाँ रह रहा था, मेरा बहनोई है। हमने जो है से भेजे इसको से देखने के लिए ये कौन है नहीं है, तो ये गया देखने के लिए तो बोला कि ये मेरा ही साला है। रमेश यादव। ये आपके क्या लगते थे? मेरा साले लगे। तो आपको कब पता चला था? मुझे परसों 2:30 बजे में पता चला। क्या कहना पुलिस वाला? हाँ जी, क्या कहते थे पुलिस वाले? पुलिस वाले कहे तो वही पुलिस वाले मुझे बुलाए, रूम में लाश पड़ा हुआ था, तब जो सूचना दिया ये 24 तारीख के इसको मार के रख दिया गया। 24 तारीख के लाश जो है कम से कम रूम में 4 दिन रहा, उसके बाद जो है हम लोग का सूचना दिया गया है। फोटो है आपके पास? हाँ, भाई की फोटो है? फोटो तो होना चाहिए, फोटो अभी नहीं है पास में। फी लेने दिया इसको पुलिस वाला। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम इंसाफ मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग का। जी 3 तारीख को सुबह 112 ERV से कॉल आया था कि अपना मेवला महाराजपुर में सतवीर कॉलोनी है, उसमें एक व्यक्ति किराए के कमरे पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस पर मैं मौके पे पहुंचा, वहां जाके हमने FSL टीम को बुलाया, मौका देखा, FSL टीम से भी मौका मुलाजा और अनास के बारे में पूरी डिटेल ली, और इनके परिवार से संपर्क करके परिवार को बुलाया गया। परिवार बिहार का रहने वाला है, तो उस दिन तो आ नहीं पाया, इस वजह से हमने बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया था। और उनकी नाक से वो है, जहाँ तक हमारी वो आई है, और उनके किराए जो उनके बगल में पड़ोस में जो रहते थे और किराएदार, उनसे पूछ के, और जो पूछताछ में ये आया कि ये थोड़ा सा शराब बहुत ज़्यादा पीता था और 10 दिन से काफ़ी बीमार था, जो कि बोल भी नहीं पा रहा था। और अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रख दी, बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अगर FSL टीम ने तो कुछ नहीं वो दिया, ना ही कोई चोट का निशान बताया। तो उसकी जानकारी सर किसने दी आपको कि वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है? ये था कि जो मकान मालिक है वो हफ्ते में एक बार इनके कॉमन टॉयलेट हैं उसको सफाई करने के लिए जमादार को भेजता था। जो जमादार वहाँ पे टॉयलेट साफ करने के लिए गया है, तो उसने कमरा इसका आधा खुला आधा बंद था दरवाज़ा, उसने बॉडी पड़े हुए देखते हुए अपने मालिक को बताया कि जी आपके पन्नालाल है इसका, और उम्र है करीब 39 साल का। कहाँ काम करते थे फरीद? ये अल्पाइन कंपनी में करते थे, मथुरा रोड पे, सेक्टर 31 का है। ये बॉडी मिली थी सतपीर कॉलोनी है, मेवला महाराजपुर में, किराए पे रहता था। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे जो अभी तक की उसमें कुछ भी नहीं आया है। फिर भी बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है, अगर पोस्टमार्टम पे कुछ आएगा तो जैसा होगा। तो इंजरी कहाँ कहाँ हुई पड़ी थी सर? वैसे इंजरी कहीं पे भी नहीं है। ये अकेला रहता था? ब्लीडिंग ने कहीं नहीं हो रही? नहीं, ब्लीडिंग है, नाक से ब्लीडिंग है। अच्छा जी, नाक से ब्लीडिंग है। कहीं सिर फटा या और कहीं चोट के निशान? कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी इंजरी।